हमारे साथ जुड़े एक न्यू क्लाइंट और इनका नाम अभिषेक है और हम इनके साथ करने वाले हैं 90 डेज बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज। तो सबसे पहले अभिषेक के बारे में जान लेते हैं। अभिषेक 17 साल का है, बॉडी बिल्डिंग का काफी शौक है इसे और आगे चल के ये कंपटीशन भी खेलना चाहता है। जिम तो ये पहली बार ही आया है लेकिन घर पे ये वर्कआउट करता रहता है। वेट है इसका 53 kg और हाइट है इसकी 5'7". इसके बाद मैंने इसे स्टैंडर्ड समझाया और सबसे पहले पुशअप करने को कहा जिसमें डे 1 पे निकाले हैं इसने आज 40 पुशअप, लेकिन पुलअप में काफी दिक्कत आ रही थी, काफी मुश्किल से 5 पुलअप निकाले इसने। डिप्स निकाले इसने आज 11 और प्लैंक किया इसने आज 1:06। इसके बाद हमने इसकी बॉडी मेजरमेंट्स ली और कुछ ऐसा दिख रहा है जी आज डे 1 पे। और हमारा गोल रहेगा कि इन 90 डेज में शेकेज वेट इंक्रीज होना चाहिए जिसमें मोस्टली मसल गेन हो और स्ट्रेंथ डबल जा उससे भी ज्यादा होनी चाहिए। और अभी फर्स्ट 30 डेज में हमारा टारगेट रहेगा कि ये हर एक एक्सरसाइज प्रॉपर फॉर्म में कर पाए, टेक्निक अच्छी बनाए और एक डिसिप्लिन लाए अपने अंदर ताकि इस जर्नी को ये इजिली कंटिन्यू कर पाए। सबसे पहले हमने इसकी टेक्निक पे काम किया और इसे अलग अलग मसल की एक्सरसाइज कराता गया मैं और यहाँ जहाँ दिक्कत आई उन्हें करेक्ट करता गया। और अच्छी बात ये थी कि ये फिटनेस रिलेटेड वीडियोस देखता रहता था जिस वजह से काफ़ी आसानी हो रही थी। और इसके बाद इसने कार्डियो किया और उसके बाद ये चला गया घर और घर जाकर इसने डाइट भी कम्प्लीट फॉलो करी जो मैंने से वार्म अप करने का। जब पुशअप करने लगा तो इससे हो नहीं रहे थे, चेस्ट में काफ़ी पेन हो रही थी और बाकी अपर बॉडी पार्ट्स में भी जो कि कुछ दिनों तक रहती है स्टार्टिंग में। सो आज हमने इसका ज़्यादातर वर्कआउट लेग्स का ही रखा। स्क्वाट्स में थोड़ी दिक्कत आई स्टार्टिंग में लेकिन थोड़ी देर में ये भी अच्छे से करने लगा और नेक्स्ट डे भी थोड़ी दिक्कत आ रही थी लेकिन पिछले दिन से बेटर फील कर रहा था ये। आज हमने इसका ज्यादातर वर्कआउट बैक का रखा और थोड़ा बाइसेप भी किया और ऐसे ही कुछ दिनों तक मिक्स एक्सरसाइज रखी इसके वर्कआउट प्लान में। लेकिन डे 7 पे एक दिक्कत आई, ये आउट ऑफ स्टेट चला गया था किसी काम से जिस वजह से ये जिम भी नहीं आ पाया और ना इसने डाइट फॉलो करी। और डे 8 पे भी ये वर्कआउट पे काफी थका हुआ लग रहा था, अच्छे से वर्कआउट नहीं हो रहा था इससे और काफ मसल की एक्सरसाइज के टाइम इसे क्रैम भी आ गया जिसके बाद वर्कआउट आगे कंटिन्यू नहीं कर पाए और डे 7 और डे 8 ऐसे ही चला गया। लेकिन नेक्स्ट डे थोड़ा अच्छा रहा, वर्कआउट अच्छे से कर रहा था ये, टेक्निक भी मोस्टली एक्सरसाइज की ठीक हो रही थी आस्ता आस्ता और डाइट भी इसने आज कंप्लीट फॉलो की। और नेक्स्ट डे सुबह वेट चेक किया तो 200 ग्राम वेट भी इंक्रीज हुआ था जिससे इसको थोड़ा सा मोटिवेशन मिला और ये वर्कआउट में और मेहनत करने लगा। नेक्स्ट डे इसने वे प्रोटीन बाय कर लिया और हमें इसका डाइट प्लान फिर से चेंज करना पड़ा। इसके साथ इसने आज डे 11 पे एक टाइम पे 45 पुशअप भी निकाले। सो काफी अच्छी प्रोग्रेस कर रही है और सबसे अच्छी बात है कि ये काफी ज्यादा पैशनेट है बॉडी बिल्डिंग को लेकर जो कि इसके वर्कआउट से दिखता ही है। इसको ज्यादा मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती, ऑलरेडी काफी ज्यादा मोटिवेट रहता है। लेकिन अभिषेक की फैमिली इस चीज में इसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती और इसके कुछ फ्रेंड्स भी इसका मजाक उड़ाते हैं, इसे डिमोटिवेट करते हैं कि कंपटीशन खेलना तो दूर, अच्छी बॉडी भी नहीं बन पाएगी। लेकिन इसने किसी से आर्ग्यू नहीं किया, अपने बॉडी पे फोकस करा और मेहनत करता गया। इसी बीच इसके डे 15 कम्प्लीट हो गए और आज हमने इसकी बॉडी मेजरमेंट फिर से ली। बाइसेप की ग्रोथ इतनी अच्छी नहीं थी बाकी मसल के कंपैरिजन में, सो हमने इस पर ज्यादा फोकस रखा। आज है डे 18 और काफी अच्छी जा रही है अभिषेक की जर्नी, वर्कआउट में काफी बेटर हो गया, ये वेट्स भी काफी उठा पा रहा है और अपनी डाइट डेली कंप्लीट कर रहा है। आज है डे 20 और अराउंड 1 kg वेट इंक्रीज हुआ इसका, हमने थोड़ा ज्यादा एक्सपेक्ट करा था सो हमने डाइट में थोड़े और चेंजेस करे। पुलअप्स में अभी भी थोड़ी दिक्कत आ रही थी सो नेक्स्ट 2 दिन हमने इस पे ज्यादा ध्यान दिया और इसके फॉर्म को करेक्ट किया। आज है डे 26 और कल अभिषेक किसी रिलेटिव की शादी थी जिस वजह से कल जिम नहीं आ पाया था और ना ही डाइट फॉलो करी थी इसने और शादी में ज्यादा खाने की वजह से इसको डाइजेस्टिव इश्यू हो गया था सो इसने आज भी डाइट फॉलो नहीं करी। सो हमने आज वर्कआउट भी कम ही रखा लेकिन नेक्स्ट डे से काफी अच्छा फील कर रहा था ये और डाइट भी इसने कंप्लीट फॉलो करी आज और ऐसे कुछ दिनों तक ये जर्नी काफी अच्छे चलती गई। आज डे 30 और एक बार रिजल्ट चेक करेंगे कि कितनी प्रोग्रेस हुई है इन 30 दिनों में। सो सबसे पहले स्ट्रेंथ चेक करते हैं। डे 1 पे पुशअप निकाले थे 40 और आज निकाले हैं 50। पुलअप्स काफी मुश्किल से 5 कर पाया था ये और आज किए हैं 7। डे 1 पे डिप्स किए थे 11 और आज किए हैं 15 और प्लैंक किया था इसने 1:06 और आज किया है 2:02। सो स्ट्रेंथ में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट रही है। और अब चेक करते हैं बॉडी मेजरमेंट्स। डे 1 पे चेस्ट थी 81 cm और आज आई है 85 cm और ये रहे बाकी के रिजल्ट्स। डे 1 पे वेट था इसका 53.5 kg और आज आया है 56 kg और अब फाइनली देखते हैं कि कैसा दिख रहा है ये आज डे 30 पे। तो ये थे डे 30 के रिजल्ट, ऐसे डे 60 और डे 90 के रिजल्ट भी शेयर करेंगे आपसे। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।